ओके स्टूडेंट, हम बात कर रहे थे प्रोडक्ट एंड सर्विस की। प्योरली मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन डोंट जस्ट सेल अ प्रोडक्ट बट प्रोवाइड सर्विस आल्सो। प्योरली सर्विस इंडस्ट्री सच एज बैंक, हॉस्पिटल, एजुकेशन एंड कंसल्टेंसीज आल्सो ऑफन प्रोवाइड अ प्रोडक्ट। तो बुनियादी तौर पर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज सेपरेटली ही कंबाइन भी होती हैं। बहुत सारी प्रोडक्ट गुड्स अपने साथ सर्विस ऐड करती हैं, बहुत सारी सर्विस अपने साथ गुड्स ऐड करती हैं, और इस तरह कॉम्बिनेशन दोनों का हम ड्यूरिंग द प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इन मैन्युफैक्चरिंग वी गेट अ टेंजिबल और आइडेंटिफाइबल प्रोडक्ट विच इज ऑब्टेन एज अ सीरीज ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। In service industry, end product is often intangible. Here is it is a customer that has been processed. In service, it is often the process that are bought rather than the product. Some organization may be considered as a hybrid example, restaurant flying in the aeroplane. तो बुनियादी तौर पर product और services की अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट और सर्विसेज के अंदर सर्विस वो तमाम ऑपरेशन जिससे हमें टेंजिबल आउटपुट हासिल होता है, और गुड्स जिससे हमें सर्विस जिससे हमें इंटेंजिबल आउटपुट हासिल होता है, गुड्स जिससे हमें टेंजिबल आउटपुट हासिल होता है। और कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी भी होती हैं जो गुड्स एंड सर्विस दोनों को कंबाइन करके अपने प्रोडक्ट का हिस्सा बनाती है, जैसे रेस्टोरेंट एंड फ्लाइंग इन एरोप्लेन। अब इसकी एग्जाम्पल हम बात करते हैं द गुड सर्विस कंटेनम। प्योर गुड्स के अंदर हमारी एग्जाम्पल है कार, प्योर सर्विस के अंदर हमारे पास एग्जाम्पल है डेंटिस्ट, एंड हाइब्रिड यानी गुड्स एंड सर्विसेज दोनों के लिए हमारे पास एग्जाम्पल मौजूद है डिनर इन एक्सक्लूसिव रेस्टोरेंट, जो हमें गुड्स भी फराहम करता है और हमें सर्विसेज भी फराहम करता है। रोल ऑफ द ऑपरेशन मैनेजर, ऑपरेशन मैनेजर का रोल क्या है? इसके अंदर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, द पीपल एम्प्लॉयड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन आइदर वर्क डायरेक्टली टू क्रिएट अ गुड और सर्विस और प्रोवाइड सपोर्ट टू दोज हु डू। पीपल एंड दे वे दे आर मैनेज आर द की रिसोर्सेज ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशन। बुनियादी तौर पे जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके अंदर एक अहम रोल होता है उसकी ह्यूमन रिसोर्सेज का, और ह्यूमन रिसोर्सेज जो है एंगेज होती है ऑर्गेनाइजेशन के ईच एक्टिविटी, ग्रुप ऑफ एक्टिविटी एंड ईच कन्वर्जन प्रोसेस के अंदर। तो बुनियादी तौर पर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का एक अहम रोल इस तरह होता है कि किस एक्टिविटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस एम्प्लॉय को दी जाए। तो ये बहुत एक अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो कि फेलियर और सक्सेस का रीजन बन सकती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास है एसेट्स मैनेजमेंट। एसेट मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग फैसिलिटीज, इक्विपमेंट एंड स्टॉक आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द सपोर्ट द ऑपरेशन फंक्शन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो बिल्डिंग होती है फिक्स एसेट के तौर पर इक्विपमेंट होता है, फिक्स एसेट के तौर पर ये स्टॉक्स होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टली सपोर्ट करते हैं, ये जो होते हैं ऑपरेशन के अंदर। तो ये जो एसेट्स मैनेजमेंट है ये भी एक अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑपरेशन मैनेजर्स की। ब्रेक इवन एनालिसिस, ब्रेक इवन एनालिसिस इज द कॉन्सेप्ट दैट लिंक कैपेसिटी टू कॉस्ट। इट एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ हैविंग ग्रेटर प्रोडक्टिव कैपेसिटी टू लोअर कॉस्ट एंड मैक्सिमाइज प्रॉफिट और कंट्रीब्यूशन। ब्रेक इवन एनालिसिस वो कॉन्सेप्ट है जो कि डिटरमाइन करता है, एक्सप्लेन करता है सिग्निफिकेंस ऑफ अ हायर प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी, कि हम किस तरीके से अपनी प्रोडक्टिविटी में इजाफा कर सकते हैं। अगर प्रोडक्टिविटी को हम रिकॉल करें जो पहले डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे इनपुट और आउटपुट के दरमियान आने वाला डिफरेंस,
अगर हमारा इनपुट ज्यादा और आउटपुट कम है कन्वर्जन प्रोसेस में, तो हमारी प्रोडक्टिविटी पुअर है, ठीक है। और अगर ब्रेक इवन एनालिसिस कॉन्सेप्ट लिंक कैपेसिटी टू कॉस्ट एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस हैविंग अ ग्रेटर प्रोडक्टिव कैपेसिटी टू लोअर कॉस्ट एंड मैक्सिमाइज प्रॉफिट और कंट्रीब्यूशन। ब्रेक इवन एनालिसिस के जरिए जो हम अपनी प्रोडक्टिविटी को चेक करते हैं कि हमारे इनपुट और आउटपुट के दरमियान डिफरेंस क्या है। इनपुट अगर ज़्यादा हो और आउटपुट कम तो ये इंडिकेट करता है पुअर प्रोडक्टिविटी को, और अगर इनपुट कम और आउटपुट ज़्यादा हो तो ये शो करता है हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी को। और इसी प्रोडक्टिविटी की बुनियाद पर हमारी कॉस्ट का लेवल सेट होता है कि हमारी कॉस्ट एवरेज है, मैक्सिमम है या मिनिमम है, और यही कॉस्ट डिटरमाइन करती है हमारे प्रॉफिटेबिलिटी की, क्योंकि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी हाई होगी, एवरेज होगी या लो होगी। ब्रेक पॉइंट इज दैट विच द कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज एबल टू कवर द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ब्रेक इवन पॉइंट के जरिए जो हमें पता चलता है वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन का, कि वो किस हद तक कंट्रोल कर सकेगा फिक्स कॉस्ट को। बुनियादी तौर पर प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन के अंदर दो तरह की कॉस्ट होती है, एक होती है फिक्स कॉस्ट और एक होती है वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट हम किसे कहते हैं, वो कॉस्ट जो प्रोडक्शन के इंक्रीज और डिक्रीज होने से जिसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता वो रिमेन कॉन्स्टेंट रहती है, वो फिक्स कॉस्ट कहलाती है। और वेरिएबल कॉस्ट हम उस कॉस्ट को कहते हैं जिसके प्रोडक्शन के और ऑपरेशन के इंक्रीज और डिक्रीज होने से उसकी कॉस्ट की लेवल में भी कमी ज्यादा होती है, वो हमारी वेरिएबल कॉस्ट कहलाती है। तो इस तरह फिक्स कॉस्ट को कंट्रोल करने में ब्रेक इवन एनालिसिस की बुनियाद पर कामयाब हो जाते हैं। ब्रेक इवन एनालिसिस के अंदर लेट एफ फिक्स कॉस्ट ऑफ द ऑपरेशन, किसी भी ऑपरेशन की जो फिक्स कॉस्ट है जो हम पहले डिटरमाइन कर चुके हैं एक्सप्लेन, फिक्स कॉस्ट कैसे कैसे हैं। सेकेंड वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन पर जो है वो वेरिएबल कॉस्ट क्या है जो कि किसी भी प्रोडक्शन और ऑपरेशन के अंदर अमाउंट ऑफ यूनिट यानी यूनिट के इंक्रीज और डिक्रीज होने से कॉस्ट भी इंक्रीज और डिक्रीज हो जाती है। टी सेलिंग प्राइस ऑफ पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट, हमारी जो प्रोडक्ट है उसकी मार्केट में सेलिंग प्राइस क्या होगी, क्या डिटरमाइन की जाएगी। सी कंट्रीब्यूशन ऑफ द वन यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट टुवर्ड्स अ फिक्स्ड कॉस्ट, हमारी किसी भी प्रोडक्ट का जो यूनिट है उसके अंदर फिक्स्ड कॉस्ट का कंट्रीब्यूशन किस लेवल तक है। एज सेल्स वॉल्यूम रिक्वायर्ड टू अचीव ब्रेक इवन, और सेल्स वॉल्यूम के अंदर जो अहम चीज़ होती है वो होता है उसका ब्रेक इवन वॉल्यूम, जिसकी बुनियाद पर हम डिटरमाइन करते हैं अपने आउटपुट की क्वान्टिटी को। अगर हम इसको इस तरह देखिए कंट्रीब्यूशन मार्जिन बराबर है सी इज इक्वल टू पी वी एंड बी ई पी इज एस इज इक्वल टू एफ सी, तो ये वो हमारे पास फॉर्मुलेशन मौजूद है जिसकी बुनियाद पर हम ब्रेक इवन एनालिसिस की बुनियाद पर डिटरमाइन करते हैं कि हमारे आउटपुट का वो कौन सी आइडियल क्वांटिटी लेवल है जिस पर हम मैक्सिमम बेनिफिट अपने प्रोडक्शन या अपने ऑपरेशन से अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कॉस्ट मैनेजमेंट। मोस्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विसेज आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग रिसोर्सेज, ट्रांसफॉर्मिंग देम टू डिलीवरिंग देम टू कस्टमर। कॉस्ट मैनेजमेंट के अंदर जो हमारे पास चैलेंज होता है, जो हमारी कंडीशन है, वो प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विस के अंदर जो डायरेक्ट कॉस्ट एसोसिएट होती है, जो डायरेक्ट रिलेटेड होती है एक्वायरिंग रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज जो ड्यूरिंग द प्रोसेस इनपुट हो रही होती है, वो हमारी कॉस्ट जो है हम बड़ा एक अहम इन्फ्लुएंस रखती है हमारी प्रोडक्ट या यूनिट की ओवरऑल कॉस्ट पर। कॉस्ट मैनेजमेंट से मुराद ये है कि हम अपनी कॉस्ट को उस हद तक मिनिमाइज करने की कोशिश करें जिस पर हम अपनी क्वालिटी पे कंप्रोमाइज ना करें, यानी क्वालिटी रिमेन सेम रहे और अपनी कॉस्ट को उस आइडियल लेवल पर ले जाए जो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी में इजाफा कर सके। डिसीजन मेकिंग, डिसीजन नीड टू बी मेड इन डिजाइनिंग द ऑपरेशन सिस्टम, मैनेजिंग द ऑपरेशन सिस्टम, इम्प्रूविंग द ऑपरेशन सिस्टम।
ऑपरेशन मैनेजमेंट में एक वैरायटी ऑफ डिसीजन जो कि स्टेप बाय स्टेप एक ऑपरेशन मैनेजर को डिसीजन मेकिंग करनी होती है, जिसमें डिजाइनिंग द ऑपरेशन सिस्टम, क्योंकि ऑपरेशन सिस्टम को जब डिजाइन करना होता है वो एक बड़ा अहम स्टेज होता है डिसीजन मेकिंग का। मैनेजिंग ऑपरेशन सिस्टम, जब उसके बाद डिजाइन फाइनलाइज हो जाता है तो उसको मैनेज करना, एग्जीक्यूट करना। और इम्प्रूविंग ऑपरेशन सिस्टम, यानी किस तरीके से हम टाइम टू टाइम उस ऑपरेशन सिस्टम के अंदर इम्प्रूवमेंट लाए और उसको कंटिन्यूसली ऑब्जर्व करें। सर डिजाइनिंग और जी सर डिजाइनिंग और मैनेजिंग में क्या फर्क है? डिजाइनिंग के अंदर हम प्लान करते हैं कि हमारा ऑपरेशन किस पर सीक्वेंस क्या होगा, उसका प्रोसीजर, उसके स्टेप, ये तमाम क्या होंगे। तो ये तरीके से प्लानिंग स्टेज होता है। और जब हम उसके बाद मैनेजिंग ऑपरेशन, यानी हम जब उस पर इम्प्लीमेंट शुरू कर देते हैं, उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर देते हैं, तो अब मरहला आता है उसको सिर्फ फॉलो करना, उस पैटर्न को, डिजाइन को जो हमने प्लानिंग के वक्त फाइनल किया था, और अब उसके ऊपर इम्प्लीमेंट्स अकॉर्डिंग टू प्लान करना। तो ये मैनेजिंग ऑपरेशन सिस्टम डिसीजन होते हैं। क्लियर है? इम्प्रूविंग ऑपरेशन सिस्टम, कोई भी ऑपरेशन का जो डिजाइन है, कोई भी ऑपरेशन का जो सीक्वेंस है, वो कभी भी लास्ट नहीं होता, उसमें फर्दर इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है। एक ऑपरेशन मैनेजर कंटिन्यूसली ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑब्जर्व करता रहता है वो कौन सी स्टेज ऑफ ऑपरेशन है, वो कौन सा स्टेप है जहाँ पे हम फर्दर इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। डिसीजन मेकिंग के अंदर फाइव मेन काइंड ऑफ द डिसीजन इन ईच ऑफ दिस रिलेट टू द प्रोसेस बाय विच गुड्स एंड सर्विस आर प्रोड्यूस। वो कौन सा प्रोसेस है, वो कौन सा सीक्वेंस है जिसके जरिए गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस की जा रही है, उनका स्टार्टअप स्टेज क्या है, उनका एंडिंग पॉइंट क्या है। द क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जा रही है उनकी क्वालिटी का लेवल क्या है, ये भी डिसीजन मेकिंग है कि हम हमारी रिक्वायरमेंट ऑफ रिगार्डिंग क्वालिटी क्या है। द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, द कैपेसिटी ऑफ द ऑपरेशन, हमारी जो प्लानिंग अकॉर्डिंग टू प्लान, हमारी वो क्या प्लान क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट है जो प्रोड्यूस करना चाहते हैं, और उससे रिलेटेड हमारी कैपेसिटी एड इंक्रीज या डिक्रीज, कम और ज़्यादा हो सकती है। द स्टॉक ऑफ मटेरियल इन्वेंट्री नीडेड टू द प्रोड्यूस गुड्स और सर्विस, जो हम यूनिट, जो हम प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं उसमें इन्वॉल्व जो रिसोर्सेज हैं उनकी अवेलेबिलिटी, खासतौर पर मटीरियल, उस मटीरियल का स्टॉक अवेलेबल कितना है। द मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ऑफन मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, स्किल लेबर, सेमी स्किल लेबर, अनस्किल लेबर, हमें कौन सी कैटेगरी ऑफ वर्कर कितनी क्वांटिटी में किस ग्रुप ऑफ एक्टिविटी में चाहिए। तो ये तमाम डिसीजन मेकिंग है जो एक ऑपरेशन मैनेजर कंटिन्यूसली एग्जीक्यूट करता है। डिजाइनिंग ऑफ प्रोडक्ट और एंड प्रोसेस, पर्पज ऑफ डिजाइन, किसी भी प्रोडक्ट का डिजाइन का जो मकसद होता है, प्रोड्यूस अ टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन टू अ नीड्स, क्रिएट अ फिजिकली रिकॉग्नाइजेबल ऑब्जेक्ट, क्रिएट एन ऑब्जेक्ट विद इकोनॉमिक वर्थ एंड फाइनेंशियली फिजिबिलिटी, चूज एन ऑप्टिमम ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन, डेवलप अ न्यू वे टू डू समथिंग, रिड्यूस कॉस्ट इनकन्वीनियंस, इम्प्रूव सेफ्टी एंड प्रोड्यूस कन्वीनियंस सर्विस वैल्यू। पर्पज ऑफ डिजाइन, जो हमारा बुनियादी तौर पर मेन मकसद होता है, उसके अंदर सबसे पहले फिजिकली रिकग्नाइजेबल ऑब्जेक्ट, कि हम जो चीज़ प्रोड्यूस करने जा रहे हैं उसका डिज़ाइन इस तरह का होना चाहिए कि उससे जो हमें अचीव हो आउटपुट, वो ऑब्जेक्ट जो है ईजी टू अंडरस्टैंड, ईजी टू रिकग्नाइज होना चाहिए। क्रिएट एन ऑब्जेक्ट विद इकोनॉमिक वर्थ एंड फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, जो भी हम बनाने जा रहे हैं उसकी वैल्यू, यानी उसकी कॉस्ट कितनी खर्च हो। फाइनेंशियल फिजिबिलिटी कहते हैं कि उसको खर्च होने वाली कॉस्ट, उसमें हमारा मार्जिन ऑफ प्रॉफिट, और फिर उसकी प्राइस जो कि डिटरमाइन की जाएगी, क्या वो प्राइस हमारी टारगेट कंज्यूमर की पावर ऑफ परचेजिंग के अकॉर्डिंगली है, तो ये हमारी फाइनेंशियल फिजिबिलिटी होगी। नेक्स्ट, चूज एन ऑप्टिमम ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन, और हम उसके लिए कौन कौन से ऑप्टिमम ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन, वो एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम जो ड्यूरिंग द डिजाइन या प्रोसेस आ सकती है, क्लिक क्या रखेंगे। Develop new way to do something,
कोई नई चीज करने के लिए हम क्या आज का दौर इन्वेंशन और इनोवेशन का है, कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए हम क्या क्या टेक्निक और क्या क्या सेफ्टी फीचर इस्तेमाल करने के, और वो कौन कौन सी कन्वीनियंट सर्विसेज है जो हमारी वैल्यू के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। प्रोडक्ट डिजाइन के अंदर प्रोडक्ट डिजाइन मस्ट सपोर्ट प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरेबिलिटी, द इजी विद विच अ प्रोडक्ट कैन बी मेड। प्रोडक्ट डिजाइन डिफाइन अ प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अपीयरेंस, प्रोडक्ट की जो अपीयरेंस होती है वो प्रोडक्ट डिजाइन का रिफ्लेक्शन होती है। मटेरियल जो उसके अंदर इस्तेमाल किया गया उसको ड्यूरिंग द प्रोडक्शन, वो मटेरियल भी प्रोडक्ट डिजाइन का हिस्सा होता है। डायमेंशन, प्रोडक्ट की जो मुख्तलिफ डायमेंशन होती है वो उसकी डिजाइन की वजह से, टॉलरेंस उस प्रोडक्ट के अंदर जो टॉलरेंस की इंटेंसिटी या कैपेसिटी होती है वो भी डिजाइन की। परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, प्रोडक्ट के जो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स होते हैं वो भी प्रोडक्ट डिजाइन की डिसीजन मेकिंग की बुनियाद पर आते हैं। डिजाइनिंग ऑफ सर्विस वर्सेस गुड्स, अगर हम कंपैरिजन करें डिजाइनिंग का गुड्स एंड सर्विसेज की, सर्विस डिजाइन इज यूनिक इन दैट द सर्विस एंड एंटायर सर्विस कॉन्सेप्ट आर बीइंग डिजाइन्ड, मस्ट डिफाइन बोथ सर्विस एंड सर्विस एंड कॉन्सेप्ट, फिजिकली एलिमेंट स्टैटिस्टिक साइकोलॉजिकल बेनिफिट, प्रमोटर एंड फ्रेंडलीनेस एम्बिनेस। बुनियादी तौर पर जो डिजाइनिंग ऑफ सर्विस और डिजाइनिंग ऑफ गुड्स है इनके अंदर जो हमारा डिफरेंस होता है वो होता है फिजिकल एलिमेंट का। फिजिकल एलिमेंट्स वो जो कि हमारे उसको कन्वर्जन या प्रोसेस के अंदर शामिल होते हैं। एक एग्जांपल हम ले सकते हैं कि एक तो प्रोसेस है गुड्स, जैसे कि हम जो बॉल पेन इस्तेमाल करते हैं वो, और एक है बार्बर की वो शॉप जिसपे सर्विस को अचीव करते हैं हेयर कटिंग की। तो इन दोनों के दरमियान जो फर्क है वो फर्क है उनकी डिजायर अकॉर्डिंग टू डिजायर आउटपुट, उनकी जो है डिसीजन मेकिंग का, उनके सीक्वेंस का, उनके कन्वर्जन प्रोसेस का। तो मुख्तसर ये कि सर्विस और गुड्स के जो डिजाइन होते हैं प्रोसीजर होते हैं उसमें डिफरेंसेस काफी होते हैं। ये फिजिकली एलिमेंट होते हैं, सर्विस एलिमेंट होते हैं, साइकोलॉजिकल बेनिफिट के अकॉर्डिंगली होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट द फोर सीज ऑफ डिजाइन, फोर सीज ऑफ डिजाइन जो हम ये वो फोर वर्ड है जो सी से शुरू होते हैं और जो डिजाइन के लिए स्पेसिफाइड, इसके अंदर है क्रिएटिविटी, रिक्वायर्ड क्रिएशन ऑफ समथिंग दैट हैज नॉट एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्टेड इन द पर्पस स्टेट। आप जो है कंटिन्यूसली बेसिस पे क्रिएटिविटी रखें और अपनी डिजाइनिंग की जो भी स्टेज है उसके अंदर गुंजाइश रखें मॉडरेशन की, चेंजिंग की, ताकि हम अकॉर्डिंग टू नीड उसके अंदर इम्प्रूवमेंट ला सकें। कॉम्प्लेक्सिटी रिक्वायर डिसीजन ऑन मैनी वेरिएबल एंड पैरामीटर्स। कॉम्प्लेक्सिटी भी हम बहुत अहम होती है कि मुख्तलिफ डिसीजन के अंदर जो है डिजाइन के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी होती है, और वो कॉम्प्लेक्सिटी ऑन द बेसिस ऑफ मैनी वेरिएबल्स, ऑन द बेसिस ऑफ मैनी पैरामीटर्स। फिर उसके बाद है चॉइस, रिक्वायर मेकिंग चॉइस बिटवीन मैनी पॉसिबल सॉल्यूशंस एट ऑल लेवल फ्रॉम बेसिक कॉन्सेप्ट टू स्मॉल डिटेल्स। चॉइस कॉन्सेप्ट के अंदर जो है मुख्तलिफ चॉइसेस हम रखते हैं, ऑल्टरनेटिव रखते हैं ताकि हम बेस्ट वन को चूज कर सकें। कंप्रोमाइज रिक्वायर बैलेंसिंग मल्टीपल एंड समटाइम कॉन्फ्लिक्टिंग रिक्वायरमेंट, ये वो हमारा स्टेज होता है जिसके अंदर हम जो है बैलेंस क्रिएट करने के लिए मुख्तलिफ मल्टीपल कॉन्फ्लिक्ट की रिक्वायरमेंट जो होती है उनको एडजस्ट करते हैं ताकि हम स्मूथली अपने परफॉर्मेंस को जारी सारी रख सकें। मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेस सिलेक्शन, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेस सिलेक्शन की अगर बात करें, रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम एंड वैरायटी, इसके अंदर सबसे पहले देखें वॉल्यूम, मास प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल एंड मिड वॉल्यूम, मिड वैरायटी, मोटर मैन्युफैक्चरिंग एंड फार्मास्यूटिकल्स एंड प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, टर्नकी प्रोजेक्ट एंड एग्जीक्यूशन। तो बुनियादी तौर पर आप देख सकते हैं रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड वैरायटी कि जब हमारे पास वॉल्यूम फोकस होता है तो हम मास प्रोडक्शन की तरफ जाते हैं,
जब हमारे पास वैल्यू फोकस यानी हाई वैरायटी फोकस होती है तो हम क्या करते हैं कि बुनियादी तौर पर प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन की प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन की तरफ जाते हैं, और इसके जो दरमियानी हिस्सा है मिड वॉल्यूम मिड वैरायटी मोटर मैन्युफैक्चरिंग फार्मास्यूटिकल, ये वो है जो कम्बिनेशन होती है जिनके एवरेज वैरायटी और एवरेज वॉल्यूम होता है। अब उसके बाद प्रोसेस एंड ऑपरेशन सिस्टम अवेलेबल एट अल्टरनेटेड टू ब्रॉड प्रोसेस क्लासिफिकेशन इंक्लूड इंटरमिटेंट ऑपरेशन प्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट इन लोअर वॉल्यूम, रिपीटेटिव ऑपरेशन प्रोड्यूस वन और few standardized product in higher volume. Process selection is based on five consideration: type of process range from intermittent of continuous, degree of vertical integration, flexibility of resources, mix between capital and human resources, degree of customer contact. तो ये बुनियादी तौर पे जो है प्रोसेस सिलेक्शन के अंदर हमारी कंसिडरेशन होती है कि डिग्री ऑफ वर्टिकल इंटीग्रेशन, हमारी वर्टिकल इंटीग्रेशन की इंटेंसिटी या इम्पोर्टेंस अहमियत कितनी है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी की नीड्स और गुंजाइश कितनी है, मिक्स बिटवीन कैपिटल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, किसी भी प्रोडक्टिविटी में जो दो रिसोर्सेज अहम होती है कैपिटल और एक ह्यूमन रिसोर्सेज, इनका कम्बिनेशन। कुछ ऑपरेशन ऐसे होते हैं जिनमें कैपिटल रिसोर्सेज ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्सेज कम, कुछ ऑपरेशन ऐसे होते हैं जिनमें ह्यूमन रिसोर्सेज ज़्यादा और कैपिटल रिसोर्सेज कम होते हैं। डिग्री ऑफ कस्टमर कॉन्टैक्ट, वो कुछ प्रोडक्ट एंड सर्विस ऐसे होती है जिसमें कस्टमर कॉन्टैक्ट की डिग्री यानी ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, और कुछ प्रोडक्ट एंड सर्विस ऐसी होती है जिसमें कस्टमर की कॉन्टैक्ट की ज़रूरत कम होती है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट जी सेकेंड पॉइंट समझ नहीं आया, वर्टिकल अब उसके बाद प्रोसेस सिलेक्शन के अंदर हम कहां तक पहुंच गए थे? ओके, प्रोसेस सिलेक्शन, प्रोसेस टाइप कैन बी प्रोजेक्ट प्रोसेस, जॉब शॉप, make one at a time product exactly to customer specification. एक ये हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन की। इसके अंदर हमारे पास जो एक टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन है वो है जॉब शॉप प्रोडक्शन। किसे कहते हैं जॉब शॉप प्रोडक्शन? मेक अ वन एट अ टाइम प्रोडक्ट एग्जैक्टली कस्टमर स्पेसिफिकेशन, ये वो प्रोडक्शन टेक्निक है जिसमें हम स्पेसिफिक कस्टमर की स्पेसिफिक डायरेक्शन के मुताबिक एक वक्त में एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, उस प्रोडक्शन की टाइप को कहते हैं जॉब शॉप प्रोडक्शन। सेकंड हमारे पास जो टाइप है प्रोडक्शन की वो है बैच प्रोसेस, इसको बैच प्रोडक्शन भी कहते हैं। इसकी डिटेल क्या है? स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट इन अ ग्रुप ऑफ बैचेस बेस ऑन कस्टमर ऑर्डर और स्पेसिफिकेशन, ये वो स्मॉल क्वांटिटी में अ ग्रुप ऑफ बैचेस यानी बैचेस की सूरत में यानी फ्यू वैरायटीज की फॉर्म में ऐसी प्रोडक्ट होती है या तो वो अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन ऑलरेडी होती है या कंज्यूमर ऑर्डर के मुताबिक होती है। ऐसी प्रोडक्शन को हम कहते हैं बैच प्रोडक्शन या बैच प्रोसेस। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है लाइन प्रोसेस, लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ अ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट। लाइन प्रोसेस के लाइन प्रोडक्शन हम उसे कहते हैं जिसके अंदर हम एक सीक्वेंस इस्तेमाल करते हैं और जिसके अंदर लार्ज क्वान्टिटी में लिटिल वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस की जाती है, ये लाइन प्रोसेस कहलाता है। लास्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन में कंटिन्यूस प्रोसेस, इसको कंटिन्यूस प्रोडक्शन भी कहते हैं। वेरी हाई वॉल्यूम ऑफ अ फुली स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, ये वो प्रोडक्शन का सीक्वेंस होता है जिसके अंदर इंतहाई वेरी हाई वॉल्यूम लार्ज क्वांटिटी में हम बहुत लिटिल क्वांटिटी लिटिल वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। अब इसको फर्दर क्लैरिटी के लिए हम एग्जांपल को देख लेते हैं। जॉब शॉप प्रोडक्शन एज अ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के अंदर जो मुख्तलिफ पेशेंट को उनके अकॉर्डिंग टू डिजीज
हम मुख्तलिफ सर्विसेज फराहम करते हैं। ये एग्जाम्पल है हमारे पास जॉब शॉप प्रोडक्शन की, जो कि रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेसिफिकेशन स्पेसिफिक किसी खास कस्टमर की खास रिक्वायरमेंट के मुताबिक। सेकंड हमारे पास है असेंबली लाइन इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स। असेंबली लाइन के जरिए जो प्रोडक्शन होती है, जिसमें सीक्वेंस होता है इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स का, जो कि हम देख सकते हैं कि एक मेन बोर्ड है उसके साथ कनेक्टेड तमाम लोग अपनी जॉब को परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कंटिन्यूस प्रोसेस। इसकी एग्जाम्पल है सॉल्डरिंग, जैसे कि बेयर्स वगैरह बनती हैं। इनका जो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन है वो स्टार्ट से फिनिश गुड तक नॉन स्टॉप कंटिन्यूस प्रोडक्शन रहती है, इसीलिए इसको कंटिन्यूस प्रोडक्शन कहते हैं। उसके बाद हमारे पास बैच प्रोसेस या बैच प्रोडक्शन के अंदर हम देख सकते हैं, इसकी एग्जाम्पल है रेस्टोरेंट एंड बेकरीज। इन रेस्टोरेंट में बनाई गई डिशेज जो कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक भी वाजब होती हैं और प्री स्पेसिफिकेशन के मुताबिक भी होती हैं। ये बेकरी में बनाए गए आइटम्स ज़्यादातर प्री स्पेसिफिकेशन के जरिए होते हैं और बाद में कस्टमर ऑर्डर करके रिक्वायरमेंट भी करता है। तो ऐसी प्रोडक्शन को हम कहते हैं कौन सी प्रोडक्शन, बैच प्रोसेस या बैच प्रोडक्शन। तो ये चारों टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन बहुत अहम है। अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो तो गौर कर लीजिएगा, क्लियर है। एक हमारे पास थी सबसे पहले जॉब शॉप, उसके बाद असेंबली लाइन, उसके बाद है कंटिन्यूस, और उसके बाद है हमारे पास बैच प्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं अंडरलाइन प्रोसेस रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड स्टैंडर्डाइजेशन कंटेनर। इसके अंदर फोकस हम डायग्राम के जरिए जरा इसको डायग्राम को समझने की कोशिश करें कि जब हम फोकस करते हैं किस चीज पर, प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन यानी लो स्टैंडर्ड या हाई स्टैंडर्ड, फिर हम कोशिश करते हैं प्रोडक्ट वॉल्यूम की, लो वॉल्यूम एंड हाई वॉल्यूम। तो ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को फोकस कर लिया आपने। अब नंबर वन पे देखिए प्रोजेक्ट प्रोसेस। कस्टम जॉब शॉप कस्टमर टॉलरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, ये एक हमारे पास ऑप्शन मौजूद है जो प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट प्रोसेस का है। उसके बाद सेकेंड बैच प्रोसेस, एजुकेशन क्लासेस, बेकरी, प्रिंटिंग शॉप्स वगैरह, ये दोनों जो है हमारे पास होती है इंटरमीडिएट ऑपरेशंस कहलाते हैं। अगर आप गौर करें तो इसके अंदर ज्यादा फोकस किस चीज के ऊपर हो रहा है, स्टैंडर्ड की तरफ फोकस लो है या हाई है, और वॉल्यूम की तरफ जो है प्रोडक्ट की जो है लो है या हाई है। नेक्स्ट थर्ड देखें लाइन प्रोसेस। लाइन प्रोसेस के अंदर असेंबली लाइन एंड कैफेटेरिया समय पर मौजूद होते हैं। फोर्थ कंटिन्यूस प्रोसेस, ऑयल रिफाइनरीज, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, रिपीटेटिव ऑपरेशन। तो एक दो जो स्टेप हैं ये है इंटरमीडिएट ऑपरेशंस, और लास्ट की जो दो है वो है रिपीटेटिव ऑपरेशन। रिपीटेटिव ऑपरेशन जो है वो हाई वॉल्यूम की तरफ है जबकि लो स्टैंडर्ड की तरफ है, और इंटरमीडिएट ऑपरेशन जो है वो है लो स्टैंडर्ड एंड हाई। इंटरमीडिएट ऑपरेशन को अगर हम फोकस करें तो ये इंडिकेशन कर रहे हैं प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन की तरफ जो है हाई स्टैंडर्ड एंड लो वॉल्यूम। अब उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं डिजाइनिंग प्रोसेस। डिजाइनिंग प्रोसेस के अंदर प्रोसेस डिजाइन टूल इंक्लूड प्रोसेस फ्लो एनालिसिस, प्रोसेस फ्लो चार्ट आल्सो यूज्ड टू इवेल्युएट एंड इंप्रूव प्रोसेसेस। डिजाइन कंसिडरेशन इंक्लूड मेक टू स्टॉक स्ट्रेटेजी, असेंबली टू ऑर्डर स्ट्रेटेजी, मेक टू ऑर्डर स्ट्रेटेजी। ये बुनियादी तौर पर जो हमारा डिजाइनिंग प्रोसेस है इससे रिलेटेड कंसिडरेशन होती है। तो प्रोसेस फ्लो चार्ट, हमारा प्रोसेस एक ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्म में एक फ्लो चार्ट बनाया जाता है ताकि फ्यूचर में प्लानिंग के इम्प्लीमेंटेशन के टाइम उसको फॉलो किया जा सके। फिर उसके बाद प्रोसेस फ्लो चार्ट आल्सो यूज टू इवेल्युएट एंड इम्प्रूव प्रोसेस। जब हम अपने एक ही प्रोसेस को फ्यूचर में चेंज करके उसमें कोई एड लेस इम्प्रूवमेंट आते हैं तो भी इस्तेमाल होता है। मेक टू स्टॉक स्ट्रेटेजी, हम जो है डिजाइनिंग कंसिडरेशन इंक्लूड करते हैं कि हमारे फ्यूचर में स्टॉक की अवेलेबिलिटी, असेंबली टू ऑर्डर स्ट्रेटेजी कि हमारे ऑर्डर की रिक्वायरमेंट क्या है और हमारी कैपेसिटी टू असेंबल क्या है,
मैं तो ऑर्डर स्ट्रेटेजी, हम डिफरेंट ऑर्डर के लिए जो स्ट्रेटेजी डेवलप करते हैं उनको फुलफिल करने के लिए, ये तमाम हिस्सा होता है डिजाइनिंग प्रोसेस का। उसके बाद प्रोसेस डिजाइन टूल्स, प्रोसेस फ्लो एनालिसिस इज टूल यूज टू एनालाइज एंड डॉक्यूमेंट द सीक्वेंस ऑफ स्टेप विद इन अ टोटल प्रोसेस, यूज द फर्स्ट स्टेप इन प्रोसेस री इंजीनियरिंग। प्रोसेस री डिजाइनिंग के अंदर जो सबसे अहम चीज है वो है री इंजीनियरिंग। और री इंजीनियरिंग कहते हैं कि जब हम अपने किसी प्रोसेस या सीक्वेंस के अंदर लिटिल के बजाय इंस्टेड ऑफ लिटिल मेजर चेंजिंग करके और स्ट्रक्चरल चेंजिंग करके अपनी री डिजाइनिंग कर दें, तो ये हमारी जो है री इंजीनियरिंग कहलाती है। आज के जदीद दौर में ये कॉन्सेप्ट बहुत कॉमन है री इंजीनियरिंग का, जो टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट करती है और इससे जो है उनके बेनिफिट में ड्रामेटिक चेंज हासिल होता है। प्रोसेस इंजीनियरिंग इज स्ट्रक्चर्ड अप्रोच यूज व्हेन मेजर बिजनेस चेंजेस आर रिक्वायर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ मेजर न्यू प्रोडक्ट। जब हम कोई किसी प्रोडक्ट के अंदर कोई मेजर चेंज या न्यू प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, क्वालिटी इंप्रूवमेंट नीडेड, अपनी क्वालिटी में कोई बिग चेंज या इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं, बेटर कंपिटिटर्स, हमारे जो कंपिटिटर्स हैं उनसे मुकाबला करने के लिए, इन एजुकेट परफॉर्मेंस, जब हमारी परफॉर्मेंस जो है हमारे रिक्वायरमेंट या हमारे स्टैंडर्ड से कम हो या हमारा आउटपुट जो है सेटिस्फैक्ट्री लेवल पर ना हो, तो इस वक्त हमें प्रोसेस या डिजाइन को चेंज करने की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट उसके बाद फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट के अंदर हमारे पास टास्क ऑफ ऑपरेशन डिसीजन पॉइंट्स। टास्क ऑफ ऑपरेशन में एग्जाम्पल है गिविंग एन एडमिशन टिकट टू अ कस्टमर, इंस्टॉलिंग अ इंजन, यस कुछ पूछेंगे, कस्टमर इंस्टॉलिंग अ इंजन इन अ कार। डिसीजन पॉइंट एग्जाम्पल हाउ मच चेंज शुड बी गिवन टू अ कस्टमर विच विच शुड बी यूज एट। तो फ्लो चार्ट की बुनियाद पर हमारे पास एक स्टेप होता है टास्क ऑफ ऑपरेशन, कि हमें वो टास्क जो अचीव करना है वो ऑपरेशन उसका सीक्वेंस क्या है, और डिसीजन पॉइंट होता है जब हमें अकॉर्डिंग टू लीड कोई डिसीजन लेना होता है कि किस तरीके से हम एफिशिएंटली अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करेंगे। प्रोसेस एनालिसिस इन टर्न, प्रोसेस इज एनी पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट टेक्स इनपुट एंड ट्रांसफॉर्म देम इनटू आउटपुट। प्रोसेस भी किसे कहते हैं कि जिसके अंदर हम मुख्तलिफ इनपुट से डिजायर्ड आउटपुट हासिल करते हैं। तो यहाँ तक आज की क्लास को हम रखेंगे स्टूडेंट। अब आप पहले तो हम अटेंडेंस को फाइनल करेंगे, मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ पार्टिसिपेंट जो है इस वक्त, अनस, शामजा एंड तारिक, बस तीन है आप लोग। ओके, ये मैं स्क्रीनशॉट हर क्लास का ले लिया करूंगा ताकि मैं बाद में उसको अटेंडेंस फाइनल कर दूं, और ये मैं स्क्रीनशॉट आपके ग्रुप पे भी डाल दिया करूंगा। ओके, अब बेटा टाइम के दोबारा इन लोग, अभी हमारे पास 9 मिनट्स रिमेनिंग है, क्लियर है। अब आप लोग कोई क्वेश्चन है तो पूछें। सर वर्टिकल इंटीग्रेशन का पूछ रही थी मैं। बेटा ये हमारे पास बुनियादी तौर पे जो है ये वर्टिकल इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन होती है, जो कि हमारा हिस्सा होती है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का, क्लियर है। एक इन इंटीग्रेशन के जरिए हम अलाइंसेस डेवलप करते हैं, एक अलाइंसेस की डायरेक्शन होती है टूवर्ड्स सप्लायर्स, वो तमाम सप्लायर्स जो कि हमारे मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल सप्लायर्स होते हैं किसी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, और एक हमारा जो अलाइंस डेवलप होता है वो होता है वो तमाम मिडिल मैन जो हमारे आउटपुट यानी प्रोडक्ट को हमारे कंज्यूमर तक पहुँचाते हैं, समझ लें। तो इनके दरमियान में जो होने वाले एनालिसिस होते हैं ये वर्टिकल एनालिसिस कहलाते हैं। और कुछ तो
सर सप्लायर और मिडल मैन जो होते हैं वो तो एक ही चीज एक ही और बंदा होता है ना। सप्लायर जो होता है वो और मिडल मैन ये एक ही बंदा होता है ना? नो नो सप्लायर हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, हमारा टॉपिक है इसके अंदर सप्लायर जो है वो होता है जो कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन को वो नेसेसरी रिसोर्सेज फराहम करता है जिसकी बुनियाद पर हमारी मैन्युफैक्चरिंग एग्जीक्यूट होती है। तो सप्लायर मैंने एग्जांपल दिया आपको रॉ मटेरियल सप्लायर, मैं फर्नीचर बना रहा हूँ तो फर्नीचर के लिए जो वुड दे रहा है वो है रॉ मटेरियल और उसको जो मुझे फराहम कर रहा है वो हमारा सप्लायर है। लेकिन फर्नीचर को मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट से शोरूम के जरिए कंज्यूमर तक पहुंचाने वाला वो शोरूम वाला वो रिटेलर, तो रिटेलिंग कैटेगरी में उनको शामिल करते हैं जिनके एक तरफ प्रोड्यूसर होता है एक तरफ कंज्यूमर, और सप्लायर हम उसे कहते हैं या इन ऑपरेशन के सेंस में हम सप्लायर की बात कर रहे हैं, क्लियर है? तो ऑपरेशन सेंस में जो हमारे पास सप्लायर होता है वो रॉ मटेरियल या वो दीगर एलिमेंट्स या रिसोर्सेज सप्लायर जो कि मैन्युफैक्चरिंग में हम रोल प्ले करते हैं। बाकी आप जो सप्लायर समझिए वो आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग जो डिफरेंट सप्लायर होते हैं उन सप्लायर को मिडिल मैन की कैटेगरी में शामिल करते हैं, होलसेलर कहते हैं, रिटेलर्स कहते हैं, क्लियर ना जी? क्लियर सर। बेटा एनी अदर क्वेश्चन? नहीं सर और तो कुछ नहीं। तो ये हमारा आज का जो है एक बड़ा डिटेल इसके अंदर हमने टॉपिक कवर किए। मैं एंड में आपको थोड़ा रिवाइज करने के लिए आपको बता दूं कि आपको इसमें जो है ना कुछ चीजें तो इसमें लास्ट लेक्चर से रिलेटेड रिपीट हो रही थी जिसको मैंने तेजी से कंप्लीट कर लिया, लेकिन जो अहम इसके अंदर हमने पोर्शन कवर करना है वो टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन है, टाइप्स ऑफ उसके बाद ये था हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, रैंडम डिस्टर्बेंस, ये वो तमाम अहम है, गुड्स एंड सर्विसेज पहले भी बात कर चुके थे अभी दोबारा अभी, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ऑपरेशन मैनेजर्स ये आपको देखना है, ब्रेक इवन एनालिसिस और वैरायटी ऑफ डिसीजन। तो ये इस टॉपिक के आज के जो अहम पॉइंट हैं जो आपको फोकस करने हैं। और ये आखिरी आखिरी वक्तों में कौन आ रहा है भाई? बेटा ये आज तो मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ जो लोग एंड में आ रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं फिर नहीं लूंगा अटेंडेंस, क्लियर है? आइंदा आपकी अटेंडेंस का टाइम जो है ना लेक्चर शुरू होने के 15 मिनट के अंदर अंदर होगा। तो बेटा यहाँ पे आके फिर हम आज का लेक्चर अपना वाइंड अप करते हैं।